अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग अलेक्ट्रा विद एमज़ेड यूट्यूब चैनल। जी तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जी तो आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, के अल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शंस हैं किन डायरेक्शन में वो फ्लो करता है, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक रेजिस्टिव एसी सर्किट ले लेते हैं। कंसीडर अ रेजिस्टिव एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टर। ओके जी, हमारे पास एक सर्किट है रेजिस्टिव एसी सर्किट। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। ओके जी, पॉजिटिव नेगेटिव एसी वोल्टेज सोर्स। ओके जी, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओके जी, अभी हमने मैथमेटिकल रिलेशन इसके लिए एक्सप्लेन किया था। और वोल्टेज के लिए क्या होगा, वी इज इक्वल टू, वी थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओके जी, तो नाउ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओके जी, जो हमारे पास साइन वेव है, साइनोसॉइडली नेगेटिव। ओके जी, तो ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नाउ फॉर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपर टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड लोअर टर्मिनल इज नेगेटिव। ओके जी, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल, अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल जो है वो नेगेटिव, तो करंट हमारे पास फ्लो होगा कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एसी सप्लाई। ओके जी, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके जी, तो पॉजिटिव करंट अल्टरनेटिंग करंट जब हम किसी सर्किट के ऊपर अप्लाई करते हैं थ्रू एसी सोर्स, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सॉरी एसी सोर्स, और हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो ये होती है। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ओके जी, नाउ आफ्टर एवरी टाइम टी बाई टू, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल द अल्टरनेटिंग वोल्टेज पोलैरिटीज
चेंजेस। ओके जी, अपर टर्मिनल हैज पोलैरिटी नेगेटिव एंड लोअर टर्मिनल हैज पोलैरिटी पोलैरिटी पॉजिटिव। ओके जी, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास जो सोर्स की पोलैरिटीज है वो चेंज हो गई। नाउ करंट कैन फ्लो इन दिस डायरेक्शन, आप इसको कह सकते हैं इन अल्टरनेट डायरेक्शन। ओके जी, करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, वी एम साइन ओमेगा टी। ओके जी, और आई एम साइन ओमेगा इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ओके जी, तो दस इट इज क्लियर दैट करंट कैन फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके जी, इन द अपोजिट डायरेक्शन करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो ये अल्टरनेट हैं दोनों एक दूसरे के। ओके जी, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज बिकॉज करंट कैन फ्लो इन अल्टरनेट डायरेक्शंस ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्शंस इन द सर्किट। ओके जी, तो ये हो गया फ्लो ऑफ करंट। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और करंट की फ्रीक्वेंसी सेम है, बिकॉज जो वोल्टेज हमारे पास सर्किट के अंदर जो करंट जनरेट करता है, जो करंट फ्लो करवाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है जी, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वोल्टेज एंड करंट आर सेम। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर आज की वीडियो के अंदर आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि करंट पार्ट 3 के नाम से होगी, उसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो होंगी अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।